जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सबका दिन शुभ हो, मंगल हो, ऐसी प्रार्थना करती हूँ। श्री गणपति महाराज से सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, जो मेरे हम उम्र उनको भी बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद हमेशा। भगवान श्री गणपति महाराज से प्रार्थना करती हूँ आप सभी की जिंदगी में मंगल हो। आज हम बात करेंगे फिर से राशिफल की। मेष, वृषभ, मिथुन और सभी राशियों का राशिफल आपको हमेशा की तरह बताऊंगी और अधिक जानकारी के लिए आप 8126476399 या 9027828240 पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ज़रूरत पड़ती है किसी भी तरीके से, हाथ दिखाने के लिए, कुंडली दिखाने के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी कराना चाहें या साइकिक रीडिंग कराना चाहें, गाइडेड मेडिटेशन लेना चाहें तो आप आ सकते हैं कुंडली महायोग, और साइकिक रीडिंग से बहुत हेल्प मिलती है, आपके जीवन की सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान, द सीक्रेट ऑफ शक्ति तंत्र मंत्र या संध्या सक्सेना एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं और आप मेरे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं और मेरी वेबसाइट है astrosandhyasaksena.com, उस पर भी जा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों, थोड़ा सा चिंता से भरा आपका दिन रह सकता है, किससे बहस नहीं करना है आपको और इससे आपको कोई नुकसान हो सकता है और आपका परिवार आपका साथ देगा, रिश्ते जिसके साथ भी आपके साथी के साथ हैं उसमें सकारात्मक विश्वास आएगा और सोच भी आपकी मजबूत होगी बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ, और किसी भी टाइप का आप नशा ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद या पीला क्रीम टाइप का हो सकता है और आपको चंद्रमा के उपाय करेंगे, चंद्रमा को जल चढ़ाएं या भगवान शिव की पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, तो वृषभ राशि वालों आपके लिए अच्छा दिन है, आप समय है अच्छा है, थोड़ा सा आप सीख सकते हैं लोगों के साथ, और आपको अगर नौकरी चाहिए या नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं तो वो आपको हो सकता है, और आपको जमीन से भी लाभ मिलेगा। परिवार, प्यार और व्यवसाय तीनों में ही आपको लाभ मिलेगा। कुल मिला के आपका दिन अच्छा है, बढ़िया है, और आपका जो संबंध है लोगों के साथ वो भी बेहतर होने वाले हैं। हनुमान जी की उपासना, पूजा पाठ, अनुष्ठान आपके लिए अच्छा रहेगा। लाल रंग शुभ है, एक नंबर आपके लिए लकी रहेगा, सूर्य को जल भी चढ़ा सकते हैं तो आपका दिन बेहतर जाएगा। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं मिथुन राशि वालों, आपको मानसिक थोड़ा तनाव हो सकता है, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा चिंता बना हुआ है, लेकिन ये थकान होगी आपको, मल्टीटास्किंग आप करते हैं, कभी ये कभी वो, एक तरफ थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, और तालमेल बैठा के रखेंगे परिवार, प्यार, मोहब्बत और आपका जो वैवाहिक जीवन है, व्यावसायिक है, उसमें आपका ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि मिथुन राशि वाले थोड़े सॉफ्ट नेचर के हो जाते हैं। भगवान गणेश की आपको हमेशा से ध्यान पूजा पाठ करना चाहिए, हरे रंग आपके लिए शुभ रहता है। चार नंबर आपकी लकी है और तीन नंबर भी आपके लिए अच्छा है। स्वास्थ्य की जो भी आपको चिंता होती है उसमें बहुत ज़्यादा चिंता ना करें, कुल मिला के आपका दिन अच्छा है। अब आती है कर्क राशि वालों, कर्क राशि वालों आपका दिन प्रसन्नता से बीतेगा, सहयोगी मिलजुल के काम करते हैं आपके साथ और कोई घाटा नहीं होगा आपका, परिवार और प्रेम दोनों ही आपके साथ रहेंगे, आपका जीवन साथी भी आपके साथ रहेगा। छोटी मोटी समस्या सभी के जीवन में होती हैं, उसको लेके आप बहुत ज़्यादा चिंतित ना हो। सूर्य को जल चढ़ाएंगे, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आपके लिए शुभ होगा। लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ है, एक नंबर भी आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। अब हम आते हैं नेक्स्ट राशि पे जो कि है सिंह राशि वालों। तो सिंह राशि वालों आपका जो समय है बहुत ही हिम्मत और मजबूती के साथ निकल जाएगा। यदि आप मार्केटिंग की लाइन में हैं तो आपका दिन शुभ है, अच्छा रहेगा। व्यवसायिक और रूप से, पारिवारिक रूप से और जीवन साथी, प्रेम विवाह या प्रेमी साथी के साथ रिश्ते आपके बैलेंस रहने वाले हैं, बहुत अच्छे भी नहीं, बहुत ख़राब भी नहीं, हल्का फुल्का मन मुटाव रह सकता है। थोड़ा सा आप चंद्रमा के दबाव में आ सकते हैं, तनाव कम पालें। हमारे जीवन में चंद्रमा का बहुत ज़्यादा असर होता है, हम जो भी सर्दी गर्मी झेलते हैं रिश्तों में वो सब चंद्रमा की वजह से ही होता है, तो आपको इसका ध्यान रखना है और हमेशा ही जो है खुशहाल रहिए तो आपका काम बनेंगे। और सिंह राशि वालों आपको क्या करना है, नारायण की पूजा करनी चाहिए, पीले रंग या केसरी रंग का धारण कीजिए, सात रंग लकी है आपके रहे, और भगवान विष्णु की उपासना करने से आपको लाभ होगा। नेक्स्ट नंबर पे कन्या राशि वालों, धैर्य के साथ आप अपने कार्य को करेंगे, आपके जो विरोधी हैं आपसे हार जाएंगे, और आपका जो भी किसी ने अगर पैसा लिया है तो पुराना पैसा वापस आ सकता है, और आपके टाइम अच्छा बीतेगा और जो भी समस्या है वो ठीक रहेगी, आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्यार
और वैवाहिक जीवन सभी आपका सुंदर सफल बना हुआ है। दुर्गा देवी की उपासना करना आपके लिए अच्छा है। लाल रंग के कपड़े पहनना अच्छा है या केसरी पीले रंग के कपड़े भी आपको सूट करते हैं। एक नंबर आपके लिए लकी रहेगा, सूर्य को जल चढ़ाइए तो आपके लिए और भी लकी रहेगा। तुला राशि वालों, अब आपकी बात करेंगे तो तुला राशि वालों, आपको परिवार का समर्थन मिलेगा, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, प्रेम संबंध आपके अच्छे और बेहतर बने रहेंगे, इसमें कहीं कोई दूर दूर तक दिक्कत नहीं आ रही है। विद्यार्थी वर्ग भी अच्छा पढ़ाई लिखाया करेगा, थोड़ा सा लाइफ को बैलेंस बना के चलेगा, उतार चढ़ाव सभी की लाइफ में आते हैं। मनोरंजन के लिए कहीं बाहर भी जा सकते हैं लेकिन खर्चे फालतू के ना करें वरना आपको दिक्कत होगी। अगर आप अपने जीवन में शुभता चाहते हैं तो सरसों के तेल का दान कीजिएगा, शनिदेव की उपासना कीजिए, ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा और आठ नंबर आपके लिए लकी रहेगा। और स्लेटी रंग के कपड़े, भूरे रंग के कपड़े आप पहन सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, आपको भगवान शिव की कृपा आप पे रहेगी। अगर आप शिव की कृपा कर चाहते हैं तो और अच्छा, मंदिर में जाके शिव जी का मत्था टेकिए। वृश्चिक राशि वालों, आपको थोड़ा सा बैलेंस मूड में रहने की जरूरत है क्योंकि आप जल्दी से किसी के आगे हार नहीं मानते हैं। तो प्यार और व्यवसाय और आपकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी रहने वाली है। थोड़ा बहुत हो सकता है आपको बीपी की प्रॉब्लम हो या थोड़ा सा सेहत को लेकर दिक्कत हो, जैसे पैरों में दर्द या कोई कमजोरी आना, इसे आप थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा, थोड़ा मेडिटेशन दीजिए, थोड़ा शिव की उपासना करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। कुल मिला के आपका दिन अच्छा है, बढ़िया है, आपके लिए तीन नंबर शुभ रहेगा। हर अफरोजी रंग भी आपके लिए अच्छा रहेगा और शिव आराधना आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। नेक्स्ट नंबर पे आती है धनुराशि। धनुराशि वालों, आपका जीवन बैलेंस, थोड़ा सा नीरस, थोड़ा सा उपकाई वाला, आपको किसी चीज़ से बहुत उम्मीद होगी पर उम्मीद नहीं हो रही होगी पूरी, थोड़ा पैसे को लेकर परेशान हो सकते हैं। लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहिए, उत्साह में कमी ना आने दें। और आपका जो साथी के साथ रिश्ता रहता है उसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है तो अपने साथी पे विश्वास कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। धनुराशि वालों, आपका दिन शुभ होगा, पवित्र होगा। थोड़ा सा आपको दान करने हैं और अगर आप दान करेंगे, किसी को खाना खिला देंगे तो निश्चित रूप से आपका दिन और भी अच्छा जाएगा। सफ़ेद रंग के कपड़े पहनिए, भगवान शिव की आराधना कीजिए। मकर राशि वालों, आपका दिन मौज मस्ती से भरपूर रहेगा, परेशानी आपसे दूर रहेंगी, आपका सेहत अच्छी रहेगी, परिवार के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा, व्यवसाय में थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है लेकिन तालमेल करके चलेंगे तो वो भी आपका अच्छा ही रहेगा। तो मकर राशि वालों, आपको क्या करना है, हरा फिरोजी कलर पहनिएगा, अच्छा रहेगा। बुध की उपासना यानी कि भगवान गणेश की उपासना कीजिए, दुर्वा चढ़ाइए गणेश जी को, आपको लाभ होगा। और साथ में आपके लिए सात अंक शुभ रहेगा, कुत्ते की सेवा भी कीजिएगा। उसके बाद आते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, आपका दिन सो ठीक ठीक, ना ज़्यादा खराब ना ज़्यादा अच्छा, तनाव हल्का फुल्का रह सकता है, किसी बात को लेकर मूड खराब हो सकता है और कोई विवादित मामला अगर आपका फंसा हुआ, किसी से चिड़न हो, कोई आपके घर में कोई आपसे लड़ रहा हो तो उसमें आप थोड़ा थोड़ा ऊपर उठेंगे, थोड़ा सा आगे आपका समय अच्छा रहेगा, पेंडिंग काम को निपटाएंगे और आपको थोड़ा सा मनोरंजन में टाइम बिताना चाहिए, थोड़ा सा भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए, इससे आपको लाभ होगा। दिन आपका मिला जुला रहेगा, बहुत अच्छा भी नहीं बहुत खराब भी नहीं, प्यार संबंध और वैवाहिक जीवन आपका ठीक ठाक रहेगा। आपका बिजनेस में जो पैसा कहीं रुका हुआ है वो भी थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा, बहुत पूरा तो नहीं मिलेगा पर मिल जाएगा। और अगर आप भगवान विष्णु की आराधना करेंगे और उनको कोई पीले रंग की वस्तु चढ़ाते हैं तो इससे आपको लाभ मिलता है, पीले कपड़े पहनिए, इससे आपको फायदा होगा। आठ नंबर आपके लिए लकी रहेगा। मीन राशि वालों, अब आपकी बात करते हैं तो मीन राशि वालों, दिन आपका अच्छा है, बढ़िया, उन्नति तरक्की, लोगों से भेंट और बहुत खुशियों भरा आपका दिन और आपकी संगति भी अच्छी रह सकती है। आपका स्वस्थ, संगति, प्यार, शरीर, पैसा, सब कुछ आपका अच्छा रहने वाला है, बढ़िया रहने वाला है, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी शुभता को बढ़ाने के लिए दान करते रहिए, शिव की उपासना कीजिए, भगवान शिव की, और दो नंबर लकी है, पीला केसरी रंग भी आपके लिए लकी होगा। तो मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, आपको 12 राशियों का राशिफल दिया है। आज के लिए बस इतना ही, आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, धन्यवाद।